सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। दोस्तों, नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, पिछले एक से दो दिनों के बीच में कुछ अपडेट आ रही थी, कुछ ट्वीट हो रहे थे, राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हैं। उनका रिजल्ट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हैं। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इसका रिजल्ट आना चाहिए और मैक्सिमम चाहते हैं कि कैंसिल होनी चाहिए। तो ये दोनों जो है अपने आप में पहलू है। आज की इस वीडियो में मैं एक बड़ी अपडेट आपके सामने रखूँगा और बहुत सारे यूट्यूबर जो यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाए उनके ऊपर भी मैं बात करूँगा। तो चलिए, क्या अपडेट है मैं इसके बारे में आपको अभी डिस्कशन करके बता देता हूँ। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ ये है दोस्तों कि भर्ती पर तलवार लटक सकती है क्या, या भर्ती यूटीपी पर होगी या रिजल्ट कब तक आएगा। ये क्वेश्चंस पिछले दो दिनों से मेरे हर एक वीडियोस पर बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आए, तो इसलिए मैंने सोचा एक सेपरेट 2-3 मिनट का वीडियो बनाकर आप लोगों तक शेयर किया जाए ताकि आप जो है कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें, फिर आपको हर एक इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी यदि सब्सक्राइब कर रखा है तो। हाँ, बात करेंगे CHO भर्ती पर क्या UTP पर होगी, इसके रिगार्डिंग एक अपडेट कल से चल रही है, उसके बारे में पहले बात कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये एक ट्वीट में किसी स्टूडेंट ने या फिर किसी ने कैंडिडेट ने किया है कि CHO भर्ती को भी UTP पर भरने की तैयारी कर रहा है चिकित्सा विभाग। जब तक नियमित भर्ती CHO नहीं हो जाती तब तक NHM स्वास्थ्य विभाग CHO भर्ती UTP पर करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है NHM के द्वारा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ और जी राजस्थान के द्वारा इनको टैग किया है। तो ये दोस्तों 99.99% न्यूज़ फेक है। ऐसी अपडेट नहीं हो सकती कि CHO की भर्ती भी UTP पे, इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपको पता है CHO भर्ती एक आसान भर्ती नहीं है, इसमें बहुत सारा इसमें करना पड़ता है, जैसे आपका जो ब्रिज कोर्स है वो भी करवाना पड़ता है, उसके लिए भी खर्चा होता है। तो ऐसे UTP पे करने से कोई स्टाफ नर्स की वैकेंसी थोड़ी है, डायरेक्ट आपको UTP पे लिया और हॉस्पिटल में जाने लगे। इसमें 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स प्रोग्राम होता है वो करवाना पड़ता है, बाद में ज्वाइनिंग दी जाती है। तो इस तरीके की आप न्यूज़ पर या अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें, ऐसा कभी नहीं होगा। अब क्या हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। तो अब दोस्तों चांस लगता है कि रिजल्ट भी आ सकता है, 50% चांस है रिजल्ट का और 50% चांस है कैंसिल भी हो सकती है। अब मैंने पहले भी बताया इसके दो पहलू है, कैंसिल होने का वजह आपको पता है पेपर आउट को लेकर है, और कैंसिल नहीं हुई तो SOG की रिपोर्ट है कि हो सकता है कि पेपर ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुँचा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब बात आती है लास्ट में कि रिजल्ट सर कब तक आएगा। तो रिजल्ट को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट चिंतित हैं, बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि सर राजस्थान CHO भर्ती कब लगे, इसकी ज्वाइनिंग कब होगी, किस कब रिजल्ट आएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो रिजल्ट है इसका यदि सरकार चाहती है तो बहुत जल्द इसका रिजल्ट निकाल सकती है, 10-15 दिनों के अंदर भी निकाल सकती है। बट सरकार का क्या रवैया है, क्या SOG का रवैया है, ये सारी चीज़ें हैं वो क्लियर होने के बाद में पता चलेगी। तो ये थी अपडेट दोस्तों, और भी कोई आप डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।